सात सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में दिया ज्ञापन। आपको बता दें बरेली में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक मित्र संघ के जिला अध्यक्ष कपिल यादव के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों की सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। देखिए आज 25 जुलाई, आज के दिन 25 जुलाई 2017 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों का जो समायोजन किया गया था वो निरस्त कर दिया गया था, जिसमें आर्थिक तंगी से जूझते हुए हमारे हजारों शिक्षा मित्र आज हमारे बीच में नहीं है, जिसमें अधिकांश आत्महत्या कर चुके हैं। बीमारी, बहुत सारे कारण ऐसे रहे जो आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके इस बलिदान को देखते हुए, उनके इस शहीदी दिवस के रूप में उनके बलिदान को मनाते हुए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ ज्ञापन सौंपो कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया गया है, जिससे हम अपनी मांगों को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसमें मुख्यतः जो मांगे हैं, शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए स्थायीकरण किया जाए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान करें। आज ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मात्र 10,000 में अपनी नौकरी कर रहे हैं, कैसे करके आखिर उनका घर का पालन पोषण होता होगा। अधिकांश व्यय उनका कन्वेंसिंग में ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्रों को EPF योजना में शामिल किया जाए। शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना, क्योंकि अधिकांश ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो बीमारी से उनको इलाज नहीं मिल पाया, 10,000 में अपना घर चलाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनके शिक्षा या शादी वगैरह क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में उनको आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए, जिससे उनको कम से कम मेडिकल की सुविधा मिल सके। महिला शिक्षा मित्र जो विवाह उपरांत उनकी ससुराल में उनको समाहित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, आर्थिक सहायता देते हुए परिवार के एक सदस्य को उक्त पद पर समाहित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर पूरा प्रदेश भर में सभी जिलों के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। मैं कपिल यादव, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का जिलाध्यक्ष। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द हुआ था आज इसी दिन, जिसके कारण पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये स्थिति आ खड़ी है कि शिक्षा मित्र अपना पालन नहीं कर पा रहा है, पोषण नहीं कर पा रहा है, आज अपने ठेले लगाने पर मजबूर है। ऐसे में शिक्षा में 7 वर्षों में सरकार ने 1 रुपये भी बढ़ाया नहीं है, इससे शिक्षा में तो बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मेरा नाम रवि पंडित है, मैं छात्र संघ से हूँ और मैं आज शिक्षा मित्र सभाइयों के समर्थन में आया हूँ। जो कि मैं कहना चाहूँगा, आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रद्द किया था वो इतवार का दिन था। इतवार के दिन हमारे किसी प्रावधान में नहीं आता है कि किसी की न्यायालय में फैसला सुनाया जाए। ये जानबूझकर फैसला रद्द करवाया गया था, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझकर इनका रोजगार छीना है। मैं अपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात को योगी जी तक पहुँचाइए और इन तमाम शिक्षा मित्रों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, इनको दुख दर्द को समझते हुए आप इनकी बात को पहुंचाइए। आज के 10,000 में जो इनको वेतन मिलता है वो सही से इंसान अपना घर नहीं चला पाते हैं, कोई अपना बच्चा पढ़ा रहा है, कोई अपने बच्चे को बाहर भेजकर खर्चा चला पा रहा है, तमाम तरीके की मजबूरियों का सामना कर रहे हैं। और तमाम तरीके के शिक्षा मित्र संगठन ने आज जो विरोध प्रदर्शन जताया है, इसको लेकर हम चाहते हैं कि हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जो पीड़ित हमारे शिक्षा मित्र संघ के लोग हैं उनकी मांग को ये पूरी करें। और यदि किसी कारणवश सरकार ये पूरी नहीं करेगी तो हम सब एकजुट होकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। इस प्रकार अगर किसी में को हानि हुई या किसी की मृत्यु हुई, इसके जिम्मेदार तानाशाही सरकार होगी। बस इतनी बात के साथ मैं अपनी बात।
जी, मैं शिक्षा मित्र संजू कटियार। सरकार के द्वारा किए गए आश्वासन से इतनी आहत हूँ कि आज कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। फिर भी उनसे गुजारिश उम्मीद अनुनय विनय ही कर सकती हूँ कि वो हमारे सब कुछ हैं और हमारे बारे में, हमारे बीच जो शिक्षा मित्र नहीं रहे हों उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। और आप मीडिया के माध्यम से हमारी वेदना शायद शब्दों में जाहिर नहीं हो सकती, वहाँ तक पहुँचाएँ कि जो इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी रह गई है वो उनका मान सम्मान के साथ जी लें और वापस कर दें हमारा बस।